गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आप सभी का वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि जो हमने रशिया से रिलेटेड ये जो फ्लाइट वगैरह है एयरफ्लोट वगैरह की, तो आप वो कैसे बुक कर सकते हो। और इसी के अंदर जो है अगली वीडियो आएगी कि जो अपना जो है वो कि आप जो है करेंसी वगैरह एक्सचेंज कैसे करा सकते हो रशिया के अंदर। तो आज हम बात करते हैं कि फ़्लाइट वगैरह जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि एयरफ्लोट की जो है वो फ़्लाइट लेके आओ न्यू दिल्ली से। बिल्कुल शायद अभी के टाइम के हिसाब से मेरे को जब मेरी फ़्लाइट थी तो वो से टर्मिनल सी से जो है वो टेक ऑफ का टाइम था उसका, और वो अपना रशिया में था शायद 10:00 तो वो 6-6.5 घंटे के आसपास, 7 घंटे के आसपास मान के चलो जितना वो टाइम लगता है 6.5-7 घंटे। तो काफ़ी मस्त यार एयरफ्लोट की जो फ्लाइट थी बिल्कुल। और उसके अंदर बैगेज वगैरह का ऐसे रहता है कि टिकट के हिसाब से होता है, आप एक बैग भी ला सकते हो, दो बैग भी ला सकते हो 23-23 किलो के, तो टिकट के हिसाब से। और जो टिकट्स वगैरह है वो अभी वो अपने शायद इंडिया से हो नहीं रही है बुक, वहाँ के लिए जो रशियन बैंक अकाउंट चाहिए आपको और वहाँ से करवा सकते हो। अगर आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, आप वहाँ अगर बुकिंग वगैरह करवानी हो टिकट वगैरह की रशिया की, तो जो भी टूरिस्ट आ रहा हो और वहाँ पे आ रहा है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगा क्या प्राइस वगैरह चल रहा है, उस हिसाब से अपन देख लेंगे। आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी दोनों की। ये तो फ्लाइट का था यार बिल्कुल। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपको बुक करनी है तो एयरफ्लोट बेस्ट एयरलाइन है अपनी, और दिल्ली से सीधी डायरेक्ट मॉस्को आती है कहीं भी उसके बीच में, और आपको खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है, खाना वगैरह आप ले सकते हो, जूस वगैरह सब कुछ चलते हैं, काफ़ी अच्छी है अपना जाते टाइम तो इंडियन खाना मिलता है उसके अंदर, जैसे अमूल का योगर्ट वगैरह हो गया और दही वगैरह हो गया, पास्ता वगैरह मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा है यार। तो मैं को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो के अंदर कि अगर आप आ रहे हो तो रशिया तो आपको जो है एयरफ्लोट की जो है एयरलाइंस जो है वो करनी चाहिए बिल्कुल डायरेक्ट है। और इमिग्रेशन वगैरह से रिलेटेड जब मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ जाएगी जो इमिग्रेशन का अपडेट था वो, तो मैं आपको बता दूँगा। तो आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो पीछे मेरे बिल्डिंग वगैरह हैं, और यहाँ पे अभी मैं वीडियो शूट करने के लिए आया हुआ था। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होगी आई होप आप सभी को। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आओ आराम से घूमो और मेरे को भी बताना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो इंडिया में और कैसा लगा रशिया। और अगर बाकी कोशिश करें आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट वगैरह निकालें। और तो चलो अपने वर्क वीज़ा वगैरह स्टार्ट है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, लव फ्रॉम रशिया, जय हिंद, बाय बाय।